हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड, आज बनाते हैं एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा रेसिपी। देखिए कितना क्रंची और क्रिस्पी डोसा बना है और एकदम बिल्कुल परफेक्ट डोसा। आज मैं ऐसी चीज़ से डोसा बनाना बताऊंगी कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा और इसे हमें घंटों रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची डोसा बन के तैयार होगा। एक बार अगर आपने ये डोसा बना के खा लिया ना, तो आप रोज़ के रोज़ डोसा यही बनाकर खाओगे। कम टाइम में एकदम परफेक्ट डोसा, देखिए आप देख सकते हैं, देखने में इतना क्रंची और क्रिस्पी लग रहा है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे एक कटोरी दिवाली की बची हुई खीले। आप आधा कटोरी खीले आधा कटोरी मुरमुरे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कटोरी खीले लिए हैं और इसका एक चौथाई लिया है हमने सूजी, लगभग ये बड़ा 2 चम्मच सूजी ली है। सूजी को भी हम इसमें डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच लेंगे हम इसमें दही। ये फ्रेश दही लिया है मैंने, घर का ही जमा हुआ। और आधा कटोरी लेंगे हम इसमें पानी और इसको हम अच्छा सा एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। देखिए इसका फाइन पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब लेंगे एक बाउल, इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे पेस्ट को। पेस्ट देखिए अभी हमारा गाढ़ा है और हम इसी ग्राइंडर जार में पानी डाल के इसको पेस्ट में डाल देंगे और इसका घोल हमें थोड़ा पतला करेंगे। देखिए देख सकते हैं आप कितना पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच गेहूं का आटा, इसकी जगह पर आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज़ कर किया है। और आधे चम्मच डालेंगे हम, आधे चम्मच से कुछ कम ही नमक है, अपने स्वाद अनुसार डालिए आप। और थोड़ा सा डालेंगे हम मीठा सोडा, इसे डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बैटर को अच्छे से चला लेंगे हम, जिससे इसमें लम्स वगैरह ना रहें आटे के। और देखिए आप देख सकते हैं बैटर इसका एकदम परफेक्ट वाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। देखिए ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। घंटों रखने की या सोख होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम झटपट से 10 मिनट में बन जाने वाला डोसा। देखिए इसका बैटर एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब इसको हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए साइड में। तब तक हम लेते हैं नारियल की चटनी बनाने के लिए कुछ हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े, आधा चम्मच लेंगे हम नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1 चम्मच लेंगे नींबू का रस। नारियल की चटनी में बिना नारियल के तो मज़ा ही नहीं आता है। अब यहाँ पे डालेंगे हम नारियल की स्लाइस, कट करके डाल देंगे, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। लीजिए हमारी नारियल की हरी हरी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। चलिए इसे लगाते हैं हम एक तड़का। तड़के का तो स्वाद ही अलग है नारियल की चटनी का। यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और यहाँ पे मैंने काली वाली सरसों लिए, 2 लाल मिर्च के टुकड़े लिए हैं और 4 से 5 हमने लिए हैं कड़ी लिप्स। कड़ी लिप्स को डालकर इसमें तड़का लगा देंगे। लीजिए हमारी तड़के वाली नारियल की चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा हम चम्मच से इसे मिक्स कर देंगे। चलिए अब बैटर को देखते हैं। बैटर भी हमारा अच्छे से सूख हो चुका है, इसलिए हमने रखा था क्योंकि इसमें सूजी पड़ा हुआ था, 10 मिनट में सूजी अच्छे से फूल जाएगी। देखिए अब हम लेंगे एक नॉनस्टिक तवा, इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम टिश्यू पेपर से अच्छे से पहले पोंछ लेंगे। ऑयल लगाने की हमें सिर्फ 1 बार ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका तवा ज़्यादा गर्म हो जाए तो इस पर हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। और डोसा बनाते समय हमेशा गैस की फ्लेम लो या फिर बंद कर देनी चाहिए, तवा हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। और अच्छे से इसे फैला देंगे, आप छोटा या बड़ा अपने अनुसार बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से डोसा हमारा फैल चुका है। और हमें डोसा हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, अब मैं इसकी फ्लेम को ऑन कर दूंगी और हम अच्छे से ऊपर से लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, हल्का सा छींटा लगाएंगे ऑयल का। अब इसे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही
कुक होने देंगे और क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बना के तैयार करेंगे। देखिए इसके बीच में तब तक कलर चेंज नहीं हो तब तक हम डोसे को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलिए अब पलटे से हम इसको पलट देते हैं। देखिए कितने आसानी से डोसा हमारा पलट चुका है। देखिए आप देख सकते हैं, आप चाहें तो दूसरी साइड से हल्का सा सेक लें। लीजिए हमारा क्रंची क्रंची डोसा बनके तैयार हो चुका है, एकदम बिल्कुल हलवाई स्टाइल और ठेले वाला डोसा जैसा। देखिए आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और क्रंची डोसा बनके तैयार हो चुका है। इसे हम निकालते हैं एक प्लेट में। फिर दोबारा से हम, तवा हमारा गर्म है इसलिए इस पर पानी का छींटा लगाएंगे और अच्छे से टिश्यू पेपर से पोंछ देंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और कटोरी से हम इसको फैला लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप सबके सपोर्ट से मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। आज के बाद कभी भी आप किलो को ऐसे नहीं खाना चाहेंगे और रोज़ के रोज़ आप डोसा बनाकर खाएंगे। इतना टेस्टी और क्रिस्पी लगा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा ये क्रंची। आप भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दिवाली की बची हुई खीलों से। और आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका ये डोसा बनके तैयार होगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये दिवाली की बची हुई खीलों का डोसा है। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और आप सबके सपोर्ट से मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। यहाँ पे मैंने सूखे आलू और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसके लिए सांभर भी बना सकते हैं, दाल का सांभर या वेजिटेबल सांभर बना सकते हैं। लीजिए खाइए क्रंची क्रंची डोसा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।